हेलो एवरीवन क्या हाल चाल कैसे हैं सभी लोग सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड दिस इज मैट्रस इन वन शॉट सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वील बी कंप्लीटिंग द होल चैप्टर मैट्रज इन जस्ट वन शॉट सो दिस इज अ बेसिकली फास्ट ट्रैक कोर्स जिसमें आपको मैं दो महीने के अंदर पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस आई क्लास ट्वेल्थ या सीबीएससी क्लास ट्वेल्थ के हिसाब से कंप्लीट करा दूंगा तो यस दिस इज डेडिकेटेडली फॉर आई लेकिन इसको सीबीएससी वाले भी पढ़ सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है जो पेपर का पैटर्न आता है आई का वो अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है तो डेफिनेटली सीबीएससी वाले भी इसको देख सकते हैं दो महीने में अपना पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आईएससी वालों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है जो आपके प्री बोर्ड्स हो गए आपके कम्पेरेटिव हो गए यूनिट टेस्ट हो गए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कोई भी हो एग्जामिनेशन जो आपके स्कूल में होने वाला है या बोर्ड का ही क्यों ना एग्जामिनेशन हो अगर आपने ये कर लिया जुता मैं करा रहा हूँ जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ मेरी एक बुक भी है जिस बुक से मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ और उसी बुक से आई में पेपर में बोर्ड के एग्जामिनेशन में सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं अगर आपने वो उतना पाठ कर लिया तो आपकी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी आपका पूरा बेहतरीन तरीके से रेडी हो जाएगा क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का कंटेंट और उसके बाद आपके पास समय ही समय है जेई की प्रिपरेशन करने के लिए बिट्स एट डब्ल्यू बीजे सी यू टी या एन डी ए या कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आपके पास बहुत सारा समय बचेगा तो स्टार्ट करते हैं मैट्रसिस इन वन शॉट तो मैट्रसिस का मतलब क्या है क्या होता है सो so मैट्रसिस का मतलब होता है अगर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया है नंबर्स का इस तरीके से कुछ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन फॉर्म्स ऑफ रोस एंड कॉलम सो रो एंड कॉलम के फॉर्म में रेक्टेंगुलर है अब रो क्या होती है देखो भाई ये वाली जो होती है इसको कहते हैं रो तो इसको बोल दिया रो वन और ये ऐसे जो है इसको बोल दिया हमने रो टू सो वर्टिकल रोज होती हैं एंड हॉरिजोंटल कॉलम्स होते हैं तो अगर अपन कॉलम्स की बात करें तो अपने पास कॉलम्स कौन कौन से हैं तो मैं कॉलम्स भी बता देता हूं आपको जैसे यहां पे ये है आपका एक कॉलम ये हो गया आपका दूसरा कॉलम ये हो गया आपका तीसरा कॉलम सो देर आर दिस इज सी वन दिस इज सी टू एंड दिस इज सी थ्री सो याद क्या रखना है वर्टिकल रोज एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम अब इतनी अंग्रेजी अगर नहीं याद रहती है तो याद कैसे करना है तरीका बताता हूं बस याद रखना लेट के वो रोती थी अब वो कौन है वो तुम्हारे लिए परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है लेट के वो रोती थी लेट के वो रोती थी मतलब जो लेटी हुई है वो रोज है जो खड़े हुए हैं वो कॉलम्स हैं तो अगर आपने बस ये याद कर लिया तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे बिटवीन रो एंड कॉलम सो जब हम लोग नंबर्स को रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो हमारा बनता है मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का जो एप्लीकेशन है वो कहां पर होता है वो होता है कंप्यूटर साइंस में सो कंप्यूटर साइंस

एंड कॉलम्स इसी तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में एंड देन वो वहां से उसको सॉल्व करता है उसका सोल्यूशन निकाल के देता है सो दिस इज हाउ कंप्यूटर में सॉल्व होता है तो मैट्रिक का पूरा का पूरा एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस में है तो वो लोग जो बीटेक करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस से ए से एम से उनके लिए ये एप्लीकेशन आपने कंप्यूटर में डेफिनेटली पढ़ा होगा एरएस के फॉर्म में एरे एरे पढ़ा होगा रोज एंड कॉलम्स वही एरे है वही है आपका मैट्रिक्स राइट right? अब मैट्रिक्स में सबसे पहले जो आता है वो आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है तो ऑर्डर का मतलब होता है अगर एक मैट्रिक्स है लेट्स से इस तरीके की जिसमें कुछ रोज है कुछ कॉलम्स हैं अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कितने रोज हैं है। तो जैसे ये हो गया रो वन दिस इज रो टू दिस इज रो थ्री तीन रोज हैं और कितने कॉलम हैं एंड तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आपको बताता है कि एक मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम है उसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से आर क्रॉस सी के फॉर्म में आर क्रॉस सी मतलब रोज नंबर ऑफ रोज क्रॉस द नंबर ऑफ कॉलम इसको क्रॉस पढ़ते हैं या बाई पढ़ते हैं ये मल्टीप्लाई नहीं होता है तो मल्टीप्लाई मत बोलिएगा इसको क्रॉस या बाई बोलते हैं राइट सो अगर ये कि मैट्रिक्स है जिसमें तीन रोज एंड तीन कॉलम्स हैं तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा थ्री बाई थ्री का या थ्री क्रॉस थ्री का राइट right? अगर एक मैट्रिक्स है जिसका जिसमें लेट से दो रोज दी हैं और दो कॉलम्स दिए हैं दो रोज और दो कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर हो जाएगा टू बाई टू दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर रो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर कॉलम तो ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है क्लियर है कोई भी मैट्रिक्स का जब हम लोग नामकरण करते हैं तो वह नामकरण किससे होता है कैपिटल लेटर से होता है ए बी सी डी ई एफ जी अपू जी कोई भी कैपिटल लेटर अगर आपको दिखाई दे रहा है मैट्रिक्स के फॉर्म में दैट मींस दिस पर्टिकुलर कैपिटल लेटर इज रिप्रेजेंटिंग योर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल लेटर और जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है ए आई जे के फॉर्म में जहां पे आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एलिमेंट किस रो में आ रहा है जे रिप्रेजेंट कर रहा है ये एलिमेंट किस कॉलम में आ रहा है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं सो लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स दिए हैं वन टू थ्री थ्री टू वन ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का तो ऑर्डर मतलब रो क्रॉस कॉलम कितना है इसमें कितने है कितने हैं हैं और कॉलम्स ऑर्डर से हमको फायदा क्या होता है क्यों पढ़ रहे हैं हम ऑर्डर के बारे में तो देखो भाई जो ऑर्डर होता है ना वो आपको मैट्रिक्स का स्केलेटल प्रोवाइड कर देता है ढांचा प्रोवाइड कर देता है कि जो हमारी मैट्रिक्स है उसका ढांचा कैसा है उसका सरफेस उसका स्केलेटल uh, कैसा है उसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है यह पता चल जाता है किससे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है तो यहां पे अगर हम ऑर्डर की बात करें कितने रोज हैं यहाँ पे सो देर आर टू रोज एंड कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे देर आर थ्री कॉलम्स ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज टू बाई थ्री नाउ वेन वी आर रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स वी रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे वेर आई रिप्रेजेंट्स योर रो जे रिप्रेजेंट्स योर कॉलम तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमको इस पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस बताना है जैसे आपके घर होते हैं मोहल्लों में लोकैलिटी में सोसाइटी में तो जब एड्रेस बताते हैं तो हम बताते हैं ना कि भाई ये वाला मोहल्ला हाउस नंबर दिस मोहल्ला नंबर दिस फिर एरिया दिस स्ट्रीट दिस सिटी स्टेट पिन कोड कंट्री इस तरीके से नामकरण करते हैं इस तरीके से एड्रेस बताते हैं सिमिलरली अगर मैट्रिक्स हमको दी है और हमको किसी भी एलिमेंट का एड्रेस बताना है तो हम ए आई जे के फॉर्म में बताते हैं जैसे इसका अगर एड्रेस बताना है तो इसका एड्रेस होगा ए वन वन अब ए वन वन से हमको कैसे पता चलेगा कि सर ये इसी का एड्रेस है तो भाई देखो ए वन वन का मतलब क्या है ए वन वन का मतलब है कि ये पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा है तो एक रो ये हो गई ठीक है दूसरी रो ये हो गई दिस इज द सेकेंड रो ठीक है अभी अपन अगर कॉलम्स के बारे में बात करें तो कॉलम के बारे में बात कर लेते हैं ये हो गया हमारा कॉलम वन ये हो गया हमारा कॉलम टू एंड ये हो गया हमारा कॉलम थ्री राइट तो जो पहला एलिमेंट है वो पहली रो में आ रहा है रो वन रो टू सी वन सी टू सी थ्री ये पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा है तो इसका जो एड्रेस है वो क्या हो गया ए वन वन जो इसके बाजू वाला एलिमेंट है टू इसका अगर एड्रेस लिखेंगे तो इसका एड्रेस क्या आ जाएगा इसका एड्रेस आ जाएगा ए वन टू इज इक्वल है ए वन थ्री बाजू वाला जो एलिमेंट है ए वन थ्री हो गया ए वन थ्री क्यों ए वन थ्री बिकॉज दिस इज कमिंग इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ठीक है तो ये पहली रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है इसलिए इसका एड्रेस हो गया ए वन थ्री अब सिमिलरली जो नेक्स्ट एलिमेंट्स लिखे हैं थ्री टू One. इनका अगर अपन को एड्रेस लिखना है तो कैसे लिखेंगे तो इसका एड्रेस हो जाएगा ए टू वन और पहले कॉलम में आ रहा है तो रो की वैल्यू वन देन टू जो है वो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ रहा है ए टू टू सेकेंड रो थर्ड कॉलम ए टू थ्री सो इस तरीके से हम जो मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स होते हैं उनको एड्रेस करते हैं उनका एड्रेस हम इस तरीके से बताते हैं वो किस रो किस कॉलम में आ रहा है तो ये पता करने से हमको उसका क्या पहले से आता है तो आप 1.5x पॉइंट फाइव एक्स स्पीड में इस वीडियो को देख सकते हैं और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पहुंच सकते हैं जिसमें आपको डाउट है या जो आपको समझ में नहीं आता या जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है राइट right? अब पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है दिस इज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ मैट्रिक्स तो मैं पहले टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताता हूँ तो तो देखो हमको ऑर्डर दे दिया ना यहाँ पे टू क्रॉस थ्री तो इस ऑर्डर से फायदा क्या होगा हमको स्केलेटल पता चल जाएगा इस मैट्रिक्स का कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे कितने रोज होंगे कितने कॉलम्स होंगे तो लेट से इस मैट्रिक्स को अगर हम नामकरण कर दें ए से तो टू क्रॉस थ्री का मतलब हुआ देर आर टू रोज एंड थ्री कॉलम्स तो टू रोज एंड थ्री कॉलम्स का मतलब है कुछ इस तरीके की हमारी मैट्रिक्स बनेगी दिस इज द स्केलेटल ऑफ द मैट्रिक्स तो ऑर्डर से हमको स्केलेटल पता चल गया इसका ढांचा पता चल गया इसका अब इसके अंदर एलिमेंट्स को डिफाइन किया जा रहा है बाय दिस गिवन कंडीशन क्या कंडीशन दी है कंडीशन दी है कि ए आई जे विच इज द एलिमेंट इज गिवेन बाय टू आई माइनस थ्री जे I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रो को जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को ठीक तो जो ये एलिमेंट है इस एलिमेंट का अगर एड्रेस लिखें तो ये हो जाएगा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री कैसे किया सर हमने चेक किया ये किस रो किस कॉलम में आ रहा है जिस रो जिस कॉलम में आ रहा था उसके हिसाब से हमने एड्रेस डिफाइन कर दिया बहुत अच्छी बात है अब निकाल लेते हैं सबसे पहले क्या a11 तो a11 कैसे आएगा a11 निकालने के लिए i की जगह 1 और j की जगह 1 रखिए तो i की जगह 1 j की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 into 1 minus 3 into 1 दैट इज इक्वल्स टू -1 तो a11 की वैल्यू क्या आ गई -1 के बराबर a12 निकाल लेते हैं a12 के लिए i की जगह 1 रखा j की जगह 2 रखा ए कितना आ गया ये आ गया सिक्स माइनस टू दैट इज इक्वल टू माइनस फोर फिर ए वन थ्री निकाल लेते हैं ए वन थ्री का मतलब है आई की जगह वन रखा जे की जगह थ्री रखा सो नाइन माइनस टू दट इज इक्वल टू माइनस सेवन तो ए वन वन आ गया ए वन टू आ गया ए वन थ्री आ गया सिमिलरली हम निकाल सकते हैं ए टू वन ए टू टू एंड ए टू थ्री वो भी निकाल लेते हैं तो ए टू वन क्या आ जाएगा ये आ जाएगा टू टाइम्स टू माइनस थ्री टाइम्स वन सो so, किस के बराबर आ गया वन के बराबर आ गया ए टू टू निकालेंगे सो दिस इज टू टाइम्स टू माइनस थ्री टाइम्स टू तो कितना आ जाएगा ये आ गया माइनस टू के बराबर ए टू थ्री निकालेंगे सो ये आ जाएगा टू टाइम्स टू माइनस थ्री टाइम्स थ्री तो कितना आ गया ये आ गया माइनस फाइव के बराबर भाई थ्री थ्री जन नाइन माइनस फोर नाइन में से फोर गए फाइव और विद नेगेटिव साइन माइनस फाइव तो जो हमारी मैट्रिक्स थी जो हमको ये कंस्ट्रक्ट करनी थी वो फाइनल आंसर क्या आ गया सो द फाइनल आंसर इज हमारी मैट्रिक्स जो हमको मिली वो मिल गई माइनस वन माइनस फोर माइनस सेवन वन माइनस टू एंड माइनस फाइव सो दिस इज द मैट्रिक्स जो हमको यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से फाइंड आउट करनी थी

तो दो मैट्रिसेस आपस में तब इक्वल होंगी जब दोनों मैट्रिसेस कैसी हो जब दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे की जुड़वा हो जुड़वा मतलब डुप्लीकेट हो मतलब एक दूसरे की कॉपी हो तब जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी इक्वल होगी दो मैट्रिसेस तब इक्वल होंगी जब वो बिल्कुल सेम टू सेम दिखती हो सेम टू सेम दिखती हो मतलब उनका ऑर्डर भी सेम हो सेम ऑर्डर की हो और उनके जो करस्पोंडिंग एलिमेंट्स हो वो भी इक्वल हो फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैट्रिक्स है वन टू थ्री फोर ठीक है और दूसरी मैट्रिक्स है लेट्स से वन टू थ्री फोर तो अब देखिए क्या ये दोनों मैट्रिसेस सेम टू सेम है क्या ये दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल जुड़वा हैं द आंसर इज यस तो ये दोनों मैट्रिसेस कैसी हैं आपस में ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं इनका ऑर्डर भी सेम है टू बाय टू और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब आमने सामने वाले एलिमेंट्स वन के सामने वन है टू के सामने टू है थ्री के सामने थ्री है फोर के सामने फोर है तो अगर ऐसा होता है तो दो मार्ट्रसेज आपस में कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है सो दिस इज इक्वालिटी ऑफ मार्ट्रसेज कि दो मैट्रसेज इक्वल तब होती हैं जब वो बिल्कुल सेम टू सेम हो देखने में जैसे आपने मूवी देखी होगी जुड़वा दो दो वरुण धवंदे बिल्कुल सेम टू सेम थे पुरानी वाली अगर देखिए तो उसमें दो दो सलमान खान थे जो बिल्कुल सेम टू सेम थे बस ये वही है जुड़वा इक्वालिटी ऑफ की जब भी बात करेंगे तो वो दोनों मैट्रेसिस कैसी होंगी इक्वल होंगी फॉर एग्जाम्पल अब इस तरीके का क्वेश्चन आता है क्वालिटी ऑफ मैट्रसिस पे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन कह रहा है फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर द फॉलोइंग मैट्रसेज इक्वल एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू के लिए ये वाली मैट्रसेज आपस में इक्वल होंगी तो भाई ठीक है अगर ये दोनों मैट्रसेज इक्वल हैं एज पर द क्वेश्चन तो अगर ये द्वेश्चन मैट्रसेज में इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे मतलब फर्स्ट एलिमेंट विल बी इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ए वन टू विल बीवल टू ए वन टू ए टू वन विवल टू ए टू वन ए टू टू विल बी इक्वल टू ए टू टू कोई भी एलिमेंट्स करके देख लेते हैं तो पहले एलिमेंट को अगर हमने रखा थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ गई माइनस का टू बाई थ्री राइट दूसरा देख लीजिए अगर a वन टू ए वन टू के बराबर है तो फाइव इज इक्वल टू वाई माइनस टू तो वाई तो की वैल्यू कितनी आ गई वाई की वैल्यू आ गई सेवन यहां से तो यहाँ पे हमने इक्वेट किया ए वन वन को ए वन वन के साथ यहाँ हमने इक्वेट किया ए वन टू को ए वन टू के साथ अब ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है ये आपको नहीं लिखना है आपको डायरेक्टली इक्वेट कर देना है दैट्स इट आपने डायरेक्टली इक्वेट किया आपका आंसर आ गया देन ए टू वन को अगर हम ए टू वन से इक्वेट कर दें तो क्या आ जाएगा वाई प्लस वन ज इक्वल टू एट सो द वैल्यू ऑफ वाई इज सेवन तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई सेवन आ गई अब ए टू टू को ए टू टू से इक्वेट कर दो भाई तो ए टू टू को ए टू टू से इक्वेट करेंगे टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर सो एक्स की वैल्यू आ गई यहां से माइनस का टू बाई थ्री ठीक तो जो आपकी वैल्यूज आएंगी एक्स और वाई की वो हर केस में सेम होनी चाहिए अगर मान लो ये लीनियर दिया है लीनियर ना दे के मान लीजिए अगर ये आपको दिया होता क्वाड्राटिक समझिएगा ये मैं पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं इफ दिस वैल्यू विच इज क्वाड्रेटिक तो यहाँ से एक्स और वाई की दो वैल्यूज मिलती तो मान लेते हैं कि वाई की एक वैल्यू मिलती सेवन और एक वैल्यू मिलती माइनस वन वाई की यहां से एक वैल्यू मिलती सेवन और एक वैल्यू मिलती लेट से माइनस फाइव इस पर्टिकुलर को सॉल्व करते तो अब देखिए पे y की दो अलग अलग वैल्यूज मिल रही है सेवन एंड माइनस वन सेवन एंड माइनस फाइव तो जो फाइनल आंसर आप लिखोगे वो फाइनल आंसर वाई की वो वैल्यू होगी जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है विच इज ट्रू इन बोथ द कंडीशन व्हाट इज ट्रू इन बोथ द कंडीशन इज दैट वाई इज इक्वल्स टू सेवन एंड वाई इज इक्वल्स टू सेवन तो कभी भी अगर आपके पास एक्स और वाई की मल्टीपल वैल्यूज निकले तो घबराना नहीं है उनमें से जो कॉमन वैल्यू है जो सेम वैल्यू है बस वही आपका फाइनल आंसर है कुछ क्वेश्चन किताब में ऐसे दिए हैं इसलिए मैंने आपको यहां से बता दिया कि इस तरीके का मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी जो इस क्वेश्चन में प्रोड्यूस कर सकते हैं बोर्ड्स के लेवल में वो ये है

फॉर एग्जाम्पल अगर हम रो मैट्रिक्स की बात करें तो so ये जो है हमारी ये एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक रो है और कितने कॉलम है तीन कॉलम है कॉलम कितने भी हो सकते हैं एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है तीन भी हो सकता है चार भी हो सकता है हजार भी हो सकते हैं करोड़ भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है लेकिन रो एक होगी कॉलम कितने भी हो सकते हैं ठीक दैट इज नोन एज अ रो मैट्रिक्स नो आफ्टर दैट वी हैव कॉलम मैट्रिक्स ना वट इज कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें एन नंबर ऑफ रोज हैं, लेकिन एक ही कॉलम है तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम है उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल अगर अपन कॉलम मैट्रिक्स बनाए तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स हो गई जिसमें रो कितनी है तीन और कॉलम कितने हैं, एक सो so, तीन रो एक कॉलम सो कॉलम एक रो अनेक दैट मैट्रिक्स इज नोन एज अ

बंदियां जिनके बंदे नहीं बने वो है सिंगलटन मैट्रिक्स मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आए बेचारा एक ही एलिमेंट आए उसको कहते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल दिस इज अंगल्टन मैट्रिक्स क्योंकि इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है और एक ही एलिमेंट है so ऐसी मैट्रिक्स Which has only Now this can be कुछ भी हो सकता है लेकिन एक ही एलिमेंट है उसको कहते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी सिंगल्टन मैट्रिक्स अकेले है शादी वादी की थी पर सब खत्म अकेले ही हैं सिंगल्टन है इसके बाद आता है नल या जीरो मैट्रिक्स अब नल या जीरो मैट्रिक्स क्या होती है तो ये मैट्रिक्स भी लड़के रिलेट कर पाएंगे इस मैट्रिक्स से नल मैट्रिक्स जैसे तुम्हारी जो इज्जत है तुम्हारे पापा की आंखों में शर्मा जी का बच्चा ये कर रहा है शर्मा जी का बच्चे कितने परसेंट आए शर्मा जी के बेटा जो है वो क्रिकेटर बन गया उसने ये कर लिया तुम्हारी कोई इज्जत नहीं तुम्हारे घर में नल जीरो सन्नाटा राइट तो ये है नल मैट्रिक्स तो नल मैट्रिक्स क्या है भाई वही जो जितनी तुम्हारी इज्जत घर पे है वही जो मैट्रिक्स है उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो अब वो रो भी हो सकती है वो कॉलम भी हो सकती है वो स्क्वायर भी हो सकती है वो रेक्टेंगल भी हो सकती है वो सिंगल्टन भी हो सकती है लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा भी हो उसके अंदर जो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या रहे हैं भाई शून्य जीरो सो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स तो नल मैट्रिक्स को बहुत बार ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है ओ अगर आ जाए तो मतलब नल मैट्रिक्स अब नल मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकती है जीरो जीरो नल मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकती है जीरो 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 नल मैट्रिक्स ऐसी भी हो सकती है सो so, इस नल मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है इट कैन हैव एनी एनी नंबर नंबर ऑफ ऑफ एंड कॉलम्स रो कॉलम कुछ भी हो सकता है इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन इसका जो एलिमेंट्स आएंगे सारे के सारे वो कैसे होंगे जीरो नल्ले जीरो नल वर्ड इसका एक और नाम है वॉइड मैट्रिक्स वर्ड मीन जीरो राइट

अगर उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ये दो दो की स्क्वायर मैट्रिक्स है दो, दो, क्यों? क्योंकि दो रोज हैं, दो कॉलम्स हैं। ठीक अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है थ्री बाई थ्री तो ये थ्री बाई थ्री की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है थ्री बाई थ्री बोले तो थ्री बाई थ्री बोले तो तीन रोज है या तीन कॉलम्स है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्लियर है भाई अब यहां से एक और चीज समझिएगा जब भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे आपके कोर्स में जो मैक्सिमम सबसे बड़ी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो थ्री बाई थ्री की है और सबसे छोटी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो टू बाई टू की है सो so जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में इवन जेई मेन्स में डब्ल्यू बीजे में सो so वो थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स आएगी या टू बाई टू की मैट्रिक्स आएगी दैट्स इट इससे बड़ी मैट्रिक्स नहीं आएगी अब इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में एक चीज होती है जिसको कहते हैं डायगनल डायगनल क्या होता है so, वो वाले एलिमेंट्स हम कहते हैं वो एलिमेंट्स डायगनल एलिमेंट्स हैं जिसमें वो एलिमेंट्स डायगनल एलिमेंट्स हैं जिसमें आई की वैल्यू जे के बराबर आती है आई की वैल्यू जे के बराबर आती है जिन एलिमेंट्स के एड्रेस में आई इज इक्वल टू जे है वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स किस पे लाई करते हैं डायगनल पे लाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल ये जो एलिमेंट है ये है ए पहली रो पहले कॉलम में आ रहा है देखो आई जे के बराबर है ये जो एलिमेंट है ये क्या है ए टू टू आई जे के बराबर है तो ये क्या हो गए डायगनल एलिमेंट्स हो गए और डायगनल एलिमेंट को छोड़ के जितने बचे वो क्या हो गए नॉन डायगनल एलिमेंट्स हो गए राइट सो फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए भाई ये वाले एलिमेंट्स अब इसका अगर एड्रेस करें तो इसका एड्रेस क्या है ए वन वन इसका एड्रेस है ए टू टू इसका एड्रेस है ए थ्री थ्री तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो गए डायगनल एलिमेंट्स हो गए अब कंफ्यूज मत होइएगा कि सर बचपन में तो सर हमने पढ़ा था कि सर स्क्वायर में दो डायगनल होते हैं सर सर आपने यहाँ आप पे एक ही डायगनल बनाया है आप लग रहा है भूल गए हैं नहीं बेटा भूले नहीं हैं जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो एक ही डायगनल होता है दूसरा नहीं होता क्यों नहीं होता इसका भी आंसर है अब इसका अगर आप एड्रेस देखिए अगर आप दूसरा डायगेल बनाते तो दूसरा डायगेल कैसे बनाते आप ऐसे ही तो बनाते पर ये डायगेल नहीं है क्यों नहीं है देखिए भाई इसका एड्रेस ए टू वन क्या यहां पे आई जे के बराबर है नहीं है सर क्योंकि यहां पे आई जे के बराबर नहीं है यहां पे आई जे के बराबर नहीं है यहां पे आई जे के बराबर नहीं है तो इसलिए ये डायगेल नहीं है सिर्फ एक डायगनल होता है ऊपर टॉप लेफ्ट से नीचे बॉटम राइट तक जो जाता है वो एक ही डायगनल होती है हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आई होप दिस इज क्लियर टू यू राइट आगे बढ़ते हैं भाई स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आती है एक मैट्रिक्स जो यहां पे नहीं लिखी है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सो so, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है भाई सो so, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स तो जिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होते ऐसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं अब उसका शेप भी रेक्टेंगल जैसा होता है जैसे ये देखो यहाँ पे रो है एक कॉलम है तीन दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे रो है तीन कॉलम है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे Uh, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई इवन ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई बाय की जो है सिंगल्टन ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई क्योंकि इसमें नंबर नंबर ऑफ ऑफ कॉलम्स के बराबर है ठीक है इसके बाद आती है डायगनल मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं सो डायगनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं ऑल द डाइगनल या डायगनल नहीं बोलेंगे जिसमें नॉन एलिमेंट्स जो नॉन डाइगनल एलिमेंट्स होते हैं जो नॉन डाइगनल एलिमेंट्स होते हैं वो सब किसके बराबर होते हैं शून्य के बराबर होते हैं शून्य के बराबर जो होते हैं अगर नॉन डाइगनल एलिमेंट्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगनल एलिमेंट्स जीरो के बराबर है, हैं ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं डायगेल मैट्रिक्स अब सर आपने नॉन डाइगनल के बारे में तो बता दिया सर डायगनल के बारे में कौन बताएगा चाचा आपके भाई हम ही बताएंगे तो डायगनल नॉन डाइगनल एलिमेंट तो जीरो होते हैं लेकिन डाइग्नल एलिमेंट कैसे होते हैं तो डाइगनल एलिमेंट भाई कुछ भी हो सकते हैं वो जीरो भी हो सकते हैं नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन नॉन डाइगनल जीरो होंगे डायगनल कुछ भी हो सकते हैं नॉन डाइगनल जीरो होंगे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें डायगनल मैट्रिक्स की सो लेट्स से ए इज अ मैट्रिक्स जिसमें जो नॉन डाइगनल एलिमेंट्स हैं नॉन एलिमेंट्स तो नॉन डायगनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं एक ये वाले नॉन एलिमेंट्स हैं और एक ये वाले तो ये वाले नॉन नॉन एलिमेंट्स एलिमेंट्स हैं हैं तो जो है, ये जीरो हैं और जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं ये जीरो भी हो सकते हैं ये जीरो भी हो सकते हैं अगर ये जीरो भी हो सकते हैं तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो जो लोग ये इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं इस क्लास को ध्यान से अटेंड कर रहे हैं क्या नल मैट्रिक्स एक डायगनल मैट्रिक्स है क्या नल मैट्रिक्स अ स्क्वायर नल मैट्रिक्स स्क्वायर टू बाई टू की नल मैट्रिक्स या फिर थ्री बाई थ्री की नल मैट्रिक्स क्या एक डायग्नल मैट्रिक्स होगी या नहीं होगी कमेंट करके जरूर बताएं कि सर टू बाई टू की और थ्री बाई थ्री की जो नल मैट्रिक्स है क्या वो डायग्नल मैट्रिक्स होगी कि नहीं होगी ये बताना है ठीक है सो डायगनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई जिसके नॉन डायगनल एलिमेंट अब जीरो हैं और डायगनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं ठीक है इसके बाद आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से सो so, ये आई टू के फॉर्म में लिखी हो सकती है आई के फॉर्म में लिखी हो सकती है आई थ्री के फॉर्म में लिखी हो सकती है अब इसका मतलब क्या है तो अगर आई टू लिखा है सो आई टू का मतलब है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है टू बाई टू आई थ्री का मतलब है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है थ्री बाई थ्री आई का मतलब है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके जो नॉन डाइगनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो के बराबर होते हैं लेकिन जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो सब वन के बराबर होते हैं सो so, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगेल एलिमेंट्स आर ऑल वन एंड नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर मैट्रिक्स आर नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो जैसे मैथ्स में नंबर वन होता है ना मेरा नंबर वन आपने देखा होगा एड नंबर वन होता है मैथ्स में वन की ताकत क्या होती है भाई वन की ताकत वन में बहुत ताकत होती है बहुत ताकत है वन में क्या ताकत है वन में तो वन में ये ताकत है कि आप वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आपको वही नंबर वापस मिल जाता है यह है ताकत वन की जैसे एल्जेब्रा में वन होता है वैसे ही मैट्रिक्स के केस में होता है आई मतलब आप किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करो या आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट बैक द सेम मैट्रिक्स आपको वही सेम टू सेम मैट्रिक्स वैसे ही वापस मिल जाएगी सेम टू सेम मैट्रिक्स इसीलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला गया है क्योंकि ये जो सामने वाला होता है उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं करती अब तुम्हारी बंदी तुमको बहुत चेंज करना चाहती है भाई तुम्हारी बंदी कहती है तुम्हारे अंदर ये कमी है तुम्हारे अंदर वो कमी है तुम ऐसे नहीं हो तुम वैसे नहीं हो फिर तुम जब बाद में चेंज हो जाओगे बंदी के जैसे जैसे बंदी जाती है फिर वो कहेगी अब तुम पहले जैसे नहीं रहे तुम्हारे अंदर अब वो बात नहीं रही तो बस ये जो बंदी है ये आइडेंटिटी नहीं है आइडेंटिटी कौन है तुम्हारे सगे दोस्त जो तुम जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं तुम्हारे अंदर लाख बुराइयां हैं। तुम चोरी करते हो डकैती करते हो जुआ खेलते हो ब्ला 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 और बहुत सारी चीजें करते हो लेकिन वो तुमको तब भी एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो जो दोस्त हैं वो कैसे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जैसे हैं तुम्हारी जो भी आइडेंटिटी है तुम्हारी जो भी बुराइयां हैं जो भी अच्छाइयां हैं वो एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी जिंदगी में तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी यही रोल है यही नेचर है आप किसी भी मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट बैक द सेम मैट्रिक्स एज इट इज तो जैसे मैथ्स में नंबर वन होता है वैसे ही मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है राइट फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स अब ये सर स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है सो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा नहीं लिखा तो भाई थोड़ा सा रिवाइंड करके पॉज कर लेना लिख लेना स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है तो स्केलर मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होती है मैट्रिक्स होती है जिसके डायगनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और नॉन डाइगनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं डायगनल एलिमेंट्स इक्वल नॉन डायगनल एलिमेंट्स जीरो डायगनल एलिमेंट्स इक्वल नॉन डायगनल एलिमेंट्स जीरो तो ऐसी तो मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स तो जो डायग्नल मैट्रिक्स होती है जो स्केलर मैट्रिक्स होती है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती होती है तीनों तीनों की स्क्वायर हैं इनके नॉन डायगनल एलिमेंट सबके जीरो होते हैं डायगनल में जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं आइडेंटिटी में जो डायग्नल एलिमेंट्स हैं वो सब वन के बराबर होते हैं स्केलर में जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो सब इक्वल होते हैं कुछ भी हो सकते हैं ठीक यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है इसका आंसर कमेंट करके बताना क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है नीचे लिख के बताइएगा कि यस सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स नो सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स नीचे कमेंट करके बताइएगा तो समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया क्लियर है आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू अब यहाँ पे पॉज करके जो जो लिखा है वो लिख सकते हैं थोड़ा सा पीछे करके पॉज करके सब कुछ लिख लीजिए नोट्स बना लीजिए भाई देखो मैथ्स में जब तक नोट्स नहीं बनाओगे कलम नहीं उठाओगे पेन पेंसिल नहीं उठाओगे और पेपर पे जब तक नहीं लिखोगे आप जितने भी इंटेलिजेंट हो मैथ्स में नंबर नहीं आने वाले बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत काबिल समझते हैं अपने आपको सर मैं सारी कैलकुलेशन सर दिमाग में कर लेता हूँ सर मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बहुत अच्छी बात है बेटा तुमको गॉड गिफ्ट मिला है कि तुम हर चीज दिमाग में कर सकते हो तो लेकिन लिखने की तब भी जरूरत है क्योंकि बोर्ड में फाइनल पेपर में तो आपको लिखना ही है ना अगर नहीं लिखोगे तो क्या हो जाएगा भाई वहां पर भी दिमाग में तो करते रहोगे लेकिन लिख नहीं पाओगे सेम टू सेम वैसे ही जैसे तुम अपनी बंदी को प्रपोज करना चाहते हो अब दिमाग में तुम कुछ भी सोचते रहो कि मैं ऐसे जाऊंगा रहोडीज से जाऊंगा बी डांस, डांस ही नहीं आता है। ही नहीं है BMW ही नहीं है तो जब तक तुम अप्लाई नहीं करोगे तब तक तो वो किसी और के साथ चली जाएगी ना इसलिए दिमाग में मैथ सॉल्व नहीं करनी है पेन पेपर से सॉल्व करनी है लिख लिख के सॉल्व करनी है दिखाना है अपने आप को दुनिया को एग्जामिनर को कि सर मुझे आता है मैं मैथ सॉल्व कर लेता हूं राइट right. इसके बाद बात करेंगे ऑफ मैट्रिसेस के बारे में ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिसेस का मतलब है ऑपरेशंस ऑन अब चार तरीके के ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में एडिशन एडिशनशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ठीक सो वील टॉक अबाउट एडिशन फर्स्ट तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है सो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब होता है किस तरीके से हम दो मैट्रिसेस को एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर हमको दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उनका सम या डिफरेंस निकालना है तो इसकी जो बेसिक कंडीशन है कि हम दो मैट्रिसेस किन किन दो मैट्रिसेस को जोड़ या घटा सकते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सो द मिनिमम कंडीशन ओवर हेयर इज दैट द मैट्रिसेस जितनी भी मैट्रिसेस को हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके जो ऑर्डर होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए भाई सेम होने चाहिए इक्वल होने चाहिए

इसका भी ऑर्डर है टू बाई टू इसका भी ऑर्डर है टू बाई टू अब क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम डेफिनेटली इनको ऐड कर सकते हैं अब ऐड कैसे करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो पहले को पहले के साथ ऐड किया वन आ गया वन प्लस वन टू आ गया टू प्लस जीरो टू आ गया थ्री प्लस जीरो थ्री आ गया फोर प्लस वन फाइव आ गया इस तरीके से हमने एलिमेंट्स को ऐड कर दिया तो आमने सामने वाले एलिमेंट्स को ऐड करते हैं सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है आमने सामने वाले एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वन माइनस वन जीरो हो गया टू माइनस जीरो टू हो गया थ्री माइनस जीरो थ्री हो गया फोर माइनस वन थ्री हो गया सो so ये आ गया आपका सबस्ट्रैक्शन डिफरेंस तो बस यही करना है इन केस ऑफ एडिशन यू हैव टू Add the corresponding elements, आमने सामने वाले elements, को से, को से, को से, को से, से, को से, को से, 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 और क्शन दोनों में यही करना होता है इस तरीके से दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अब एडिशन या subtraction में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे चार प्रॉपर्टीज लगती हैं. कौन कौन सी भाई सो प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिविटी कॉम्यूटेटिविटी का मतलब क्या है कि दो मैट्रिसेस को आप ऐड कीजिए तो ए या बी को ऐड करें या बी या ए को ऐड करें दोनों का जो सम आएगा वो क्या आएगा सेम आएगा सर चाहे ए को बी से ऐड करो या बी को ए से ऐड करो आंसर हमेशा सेम आएगा आंसर में कोई भी वैल्यू अलग अलग नहीं आएगी ठीक जैसे यार एलजबरा में करते थे ना टू प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री प्लस टू दोनों ही केस में आंसर फाइव आएगा वैसे ही ये कॉम्यूटेटिव है एसोसिएटिव का मतलब असोसिएटिव का मतलब सर चाहे आप ए प्लस बी करें उसमें सी एड करें या आप ए प्लस सी करें उसमें बी एड करें आंसर तब भी सेम आएगा चाहे आप टू प्लस थ्री प्लस फोर करें ऐसे या आप फोर प्लस थ्री प्लस टू करें ऐसे आंसर हर केस में क्या आएगा नाई ही आएगा ऐसे भी करें चाहे ऐसे भी करें इसी को कहते हैं एसोसिएटिव तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है मैट्रिक्स एडिशन क्लियर है इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है मैट्रिक्स एडिशन में तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है अगर हम एक मैट्रिक्स में कुछ ऐसा ऐड करें कि हमको वापस यही वाली मैट्रिक्स मिल जाए तो ये जो एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं जिससे हमको ए वापस एज इट इज मिल जाए उसको कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट तो बताइए ए में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि हमको ए वापस मिल जाए तो ए में भाई जीरो ऐड करोगे जीरो प्लस ए विल बी इक्वल टू ए तो ये जो जीरो है क्या है ये नल मैट्रिक्स तो जो ये नल मैट्रिक्स होती है ये क्या होती है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स होती है इनवर्स किसके केस में एडिशन केस में तो एडिटिव इनवर्स कहते हैं इसको ठीक अब ये पूछा नहीं जाता पर तब भी मैं आपको बता दे रहा ठीक फिर inverse, जैसे additive inverse होता है ना ये है 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 फिर आता बचपन में आपने पढ़ा है, two का additive inverse क्या होता है? तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है two में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि जीरो मिल जाए तो टू में माइनस टू एड करोगे तो जीरो मिल जाएगा माइनस टू में ऐसा क्या एड कर दिया जाए कि जीरो आ जाए तो माइनस टू में टू एड कर दोगे तो जीरो आ जाएगा इसी को कहते हैं तो so मतलब सेम वही मैट्रिक्स जिसका मैग्नीट्यूड अलग हो वो उसका क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स अब ये बहुत बड़ी बात नहीं है छोटी सी बात है समझ गए बहुत अच्छी बात है नहीं समझे कोई बात नहीं डिफरेंस की अगर बात करें तो डिफरेंस भी वैसे निकालते हैं जैसे एडिशन करते हैं अब डिफरेंस के केस में ना ही प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिविटी काम करती है ना ही एसोसिएटिविटी काम करती है यहां कुछ काम नहीं करता यहाँ बस डिफरेंस निकालने को आएगा डायरेक्टली डिफरेंस निकाल दो दैट्स इट अब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराएं स्केलर से स्केलर क्या होता है स्केलर का मतलब हो गया एक नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू मतलब दिस वैल्यू कैन बी पॉजिटिव वैल्यू दिस वैल्यू कैन बी नेगेटिव वैल्यू एक नॉन जीरो नंबर जो जीरो के बराबर ना हो जीरो से बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है लेकिन जीरो ना हो तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं एक नॉन जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो नॉन जीरो वैल्यू होती है लेट्स एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए जो जिसके एलिमेंट्स है वन टू थ्री फोर अब अगर हम इसको एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करें लेट से टू से मल्टीप्लाई करें यही टू जो है ये स्केलर है राइट तो अगर हम टू से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो टू एक इसके बराबर आ जाएगा तो ये टू क्या होगा ये टू हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स so, में whenever we multiply a scalar quantity into वी मल्टीप्लाई स्केलर scalar quantity मैट्रिक्स multiplied गेट्स मल्टीप्लाइड and एंड एवरी टर्म ऑफ द मैट्रिक्स के हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये पर्टिकुलर स्केलर वैल्यू ठीक है तो स्केलर टू भी हो सकता है स्केलर माइनस वन भी हो सकता है माइनस वन से अगर इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर तो बेसिकली समझना ये है यहाँ पे कि अगर हम किसी भी नॉन जीरो वैल्यू से मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा जो मल्टीप्लाई होगा उसको स्केलर कहा जाता है अब इस स्केलर की एक प्रॉपर्टी है क्या प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड करें और फिर उसमें स्केलर से मल्टीप्लाई करें या फिर हम पहली मैट्रिक्स को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करें दूसरी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करें और फिर इनको ऐड करें द आंसर विल बी द सेम आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा जैसे सर एग्जांपल बता दीजिए ना प्लीज एग्जांपल देख लो बेटा सो so, लेट्स एक मैट्रिक्स है ए जिसमें एलिमेंट्स है वन टू थ्री फोर एक मैट्रिक्स है बी जिसमें एलिमेंट्स हैं थ्री वन वन टू ठीक अब हमको यहाँ से लेट्स के की जो वैल्यू दी है वो दी है टू के बराबर अब प्रॉपर्टी कहती है के टाइम्स ए प्लस बी विल बी इक्वल टू के टाइम्स ए प्लस के टाइम्स बी अब ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है नहीं समझ में आया तो समझ लो समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाओ ठीक फास्ट फॉरवर्ड कर दो सो के टाइम्स ए प्लस बी तो ए प्लस बी अगर यहाँ से निकालें सबसे पहले तो ए प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा ए प्लस बी बराबर आ जाएगा वन प्लस थ्री फोर टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस वन फोर फोर प्लस टू सिक्स ठीक अब इसको मल्टीप्लाई कर दे किससे टू से तो टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी निकालें तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा एट एट सिक्स ट्वेल्व ये आ गया ये क्या आ गया ये आ गया, आ गया आपका एल एच एस दट इज द लेफ्ट हैंड साइड नाउ लेट अस फाइंड दर एच एस आर एच एस निकालने के लिए हमने क्या किया टू टाइम्स ए प्लस टू टाइम्स बी निकालना है तो टू टाइम्स ए मतलब पहले ए को दो से मल्टीप्लाई कर दें अगर ए को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा दो चार छ आठ बी को दो से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा छे दो, दो चार अब इन दोनों को आपस में एड करते तो क्या आ जाएगा सिक्स प्लस टू एट फोर प्लस टू एट एट प्लस फोर ट्वेल्व ना देखिए क्या ये दोनों आपस में इक्वल इक्वल हैं हैं जी सर बिल्कुल है सर बिल्कुल मतलब मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ एंड आई कैन प्रूव दैट ये मैंने प्रूफ कर दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वही प्रॉपर्टी है कि आप k टाइम्स a प्लस बी करो या k टाइम्स a प्लस के टाइम्स बी करो दोनों का आंसर सेम ही आएगा कोई फर्क नहीं पहनता है सेम टू सेम रहता है ठीक है सिमिलरली दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि k प्लस आई किसी भी स्केलर मैट्रिक्स में अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं k प्लस आई टाइम्स ए तो ये बराबर हो जाएगा a को इससे मल्टीप्लाई करो k टाइम्स ए प्लस के टाइम्स आई ए टाइम्स आई तो ये वही वाली बात है जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल से बताई बस उसी चीज को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं बेकूफ बनाते हैं ये लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं ये सरकार बिक चुकी है

कंपैटिबल क्या होता है कंपैटिबल का मतलब होता है जैसे आप और आपकी मैडम क्या है कंपैटिबल है। कंपैटिबल मतलब एक जैसे हैं मतलब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती आप लोग साथ में बहुत बढ़िया जेलप करते हैं कंपैटिबिलिटी अच्छी है और अगर आपकी मैडम के साथ नहीं बनती रो लड़ाई होती है मतलब आपकी कंपैटिबिलिटी ज़ीरो है या नहीं है सो so, कंपैटिबल का मतलब है वो दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं उसको कहते हैं कंपैटिबल जैसे आपको क्रिकेट अच्छा लगता है उनको भी क्रिकेट अच्छा लगता है आपको खाना अच्छा लगता है उनको भी खाना अच्छा लगता है आपको कुत्ता अच्छा लगता है सॉरी आप उनके हैं आपको उनका पपी अच्छा लगता है उनको उनको भी अपना पपी अच्छा लगता है ठीक तो इस तरीके से आप दोनों कैसे हैं कंपैटिबल हैं तो दो मैट्रेसेस आपस में कंपैटिबल कब होती हैं क्या कंडीशन है सो so, कंपैटिबल तभी होंगी मतलब दो मैट्रिसेस जिनका हम मल्टीप्लिकेशन कर सके उनको कंपैटिबल कहा जाता है तो अगर दो मैट्रिसेस किन किन दो मैट्रिसेस को हम आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं क्या हम सारी मैट्रिसेस को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा सकते हैं द आंसर इज नो मल्टीप्लीकेशन करने की एक पर्टिकुलर कंडीशन है ना वॉट इज दैट कंडीशन मल्टीप्लीकेशन करने की कंडीशन ये है कि लेट से हमको ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है आर क्रॉस सी इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराना है विद अनदर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है आर टू क्रॉस सी टू नाउ वी कैन ओनली मल्टीप्लाई दो मैट्रिसेस जो आपस में कंपैटिबल हैं कंपैटिबल का मतलब क्या है कंपैटिबल का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स अगर पहली वाली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं उतने ही दूसरे वाली मैट्रिक्स में रोज हैं, तभी हम इन दोनों मैट्रिसेस को कंपैटिबल कहेंगे तभी हम इन दोनों मैट्रिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वरना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो कंपैटिबल ये तभी है मल्टीप्लीकेबल ये तभी है मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑफ द द सेकंड मैट्रिक्स दिस ओनली कंडीशन एंड द प्रोडक्ट जो आएगा इन दोनों ये दोनों कंपैटिबल है अब ये दोनों क्योंकि कंपैटिबल दो है तो हमने क्या किया इन दोनों की शादी करा दी अब शादी करा दी तो क्या होगा भाई शादी करने के बाद क्या होता है शादी करने के बाद प्रोडक्ट आता है तो जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी जो ऑर्डर है वो भी हम मम्मी और पापा को देख के बता सकते हैं तो जैसे आपको पता होगा ना कि डॉबर मैन अगर एक अच्छा डॉबर मैन मेल है एक अच्छी डॉबर मैन फीमेल है तो जो क्वालिटीज होती हैं वही उनके बच्चों में चली जाती है राइट तो अगर मेल की हाइट अच्छी है तो हो सकता है बच्चे की भी हाइट अच्छी हो अगर मेल काला है तो बच्चा भी काला हो सकता है फीमेल भूरी है तो बच्चा भूरा हो सकता है राइट सिमिलरली हम इन पेरेंट्स को देख के जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनको देख के ये बता सकते हैं कि इनका बच्चा कैसा होगा मतलब इनका प्रोडक्ट कैसा होगा। तो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर वन क्रॉस सी टू पहले वाली रो के नंबर ऑफ रोज इन टू क्रॉस दूसरी वाली रो के नंबर ऑफ कॉलम तो जो नई मैट्रिक्स प्रोड्यूस होगी जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा उसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी इक्वल टू आर वन क्रॉस सी टू ठीक तो यहां से ये दोनों मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकती हैं ये दोनों मैट्रिसेस तब मल्टीप्लाई हो सकती हैं जब C1 R2 के बराबर हो और जो नई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या आएगा उसका ऑर्डर आएगा R1 वन क्रॉस सी जो नई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या आएगा R1 वन क्रॉस सी तो बस ये आपको याद रखना है बीच बीच वाले अगर हैं इक्वल तो मल्टीप्लाई हो सकती है और जो नई मैट्रिक्स आएगी जो प्रोडक्ट आएगा विल विल बी बी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्रॉस ठीक अब मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूं, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सो लेट्स से रोज तीन एक मैट्रिक्स क्या है टू क्रॉस थ्री ठीक तो अब अगर आपसे क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बी तो सबसे पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस कंपैटिबल हैं, हम शादी तो करा दे पर आपस में कंपैटिबल तो होनी चाहिए कुंडली आपको चेक करनी पड़ेगी मैट्रिसेस की कुंडली चेक करने का मतलब क्या है कुंडली चेक करने का मतलब है चेक कीजिए कि क्या यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर है नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाले में नंबर ऑफ रोज जो है दैट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स तो ये शादी नहीं हो सकती इनका प्रोडक्ट कभी जीवन में नहीं आ सकता ये कंपैटिबल नहीं है तो इस केस में आप आंसर क्या लिखेंगे प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल ठीक लेकिन अब अगर लड़का तो हमारे पास था टू क्रॉस थ्री ऑर्डर वाला अब अब हम लड़की 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 को 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 कर 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 देते हैं check. तो अगर अपन से दें इस लड़की को कुछ ऐसा कर दिया ये नई लेके आए इसका इसका क्या है इसका order क्या है भाई तीन दो कॉलम अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालिए क्या यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है तो हमने कंपेयर किया हाँ भाई नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स बहुत बढ़िया जोड़ी बनेगी बत्तीस के बत्तीस गुण मिल चुके हैं तो अगर बत्तीस के बत्तीस गुण मिल गए हैं तो इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है ठीक अब अगर इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो सर जो इनके बच्चे आएंगे उनकी क्या स्थिति होगी उनका क्या ऑर्डर होगा तो सर जो इनके बच्चे आएंगे जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा टू बाय टू का कैसे पता चला सर क्योंकि पापा के पास नंबर ऑफ रोज टू है मम्मी के पास नंबर ऑफ कॉलम्स टू है तो बच्चों में दोनों के संस्कार आ जाएंगे टू बाय टू की मैट्रिक्स बन जाएगी अच्छा अब की मैट्रिक्स बनाते हैं तो अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो हमको ये तो समझ में आ गया कि जो हमारा प्रोडक्ट आएगा इट विल हैव फोर एलिमेंट्स 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 टू 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 एंड कॉलम्स राइट हाउ फाइंड तो elements को निकालते कैसे हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान सबसे बेहतरीन सबसे बढ़िया तरीका क्या है पहली वाली मैट्रिक्स के ऊपर लगा दो उड़ता हुआ तीर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो पहली वाली मैट्रिक्स के ऊपर लगाया हमने उड़ता हुआ तीर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दूसरी वाली मैट्रिक्स के बाजू में लगाया गिरता हुआ तीर फ्रॉम टॉप टू बॉटम भाई इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था नीरज चोपड़ा जी हमारे लिए गोल्ड मेडल लाए थे किसमें भाला फेक में जैवलिन थ्रो और जैवलिन थ्रो में तो भाई इंडिया को गोल्ड मेडल मिलना ही था जब जिस कंट्री के प्रधानमंत्री इतना बेहतरीन फेंक सकते हैं तो हमारे यहाँ का कोई भी बांध आदमी फेंक सकता है भाई बिल्कुल ठीक है सो so, भाला फेंकना है आपको मोदी जी की तरह पहली वाली मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट दूसरी वाली मैट्रिक्स में टॉप टू बॉटम तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सो so मल्टीप्लाई तो करेंगे तो ये जो पहली रो है ये वाली इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से सो वन इंटू जीरो प्लस का साइन लगाएंगे टू इंटू वन इज टू प्लस का साइन लगाएंगे वन इंटू वन इज वन तो ये आ ए वन वन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट निकालना है मतलब A12 निकालना अब A12 निकालने के लिए क्या करेंगे सेकेंड कॉलम से सॉरी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम से फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम वन इंटू वन वन टू इंटू जीरो जीरो वन प्लस वन वन ठीक फिर

दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई टू मैट्रिस इस तरीके से आप दो मैट्रिस को मल्टीप्लाई करते हैं आई होप दिस इज क्लियर अगर नहीं क्लियर हुआ है तो भाई रिवाइंड कर लीजिए दोबारा से देख लीजिए पक्की तरीके से क्लियर हो जाएगा बेहतरीन तरीके से पीछे करके रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए क्लियर हो जाएगा समझना चाहेंगे और समझने की शक्ति रखते हैं और समझने की इच्छा होगी इफ यू हैव द विल टू अंडरस्टैंड यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड ठीक है तो चलिए ये मैंने आपको बताया मल्टीप्लीकेशन के बारे में दो मैट्रिसेस के अब मल्टीप्लीकेशन में जो प्रॉपर्टीज हैं इनको देख लेते हैं तो जो मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन होता है दैट इज नॉट एट ऑल कॉम्यूटेटिव ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता ए इंटू बी करें तो वो बी इंटू ए के बराबर जरूरी नहीं है किया है आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है तो अगर मैथ्स में एक भी एक्सेप्शन होता है तो हम कहते हैं दिस इज नॉट द रूल ठीक है तो ए इंटू बी करने पे ज़रूरी नहीं है कि वो बी इन ए के बराबर आए जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ए ये था बी ये था हमने ए बी जो मैट्रिक्स निकाला जो ए बी प्रोडक्ट आया इसका ऑर्डर क्या आया इसका ऑर्डर आया टू बाई टू ठीक अगर हम यहाँ से बी ए निकालें क्या निकालें बी ए तो बी को अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा तो इसका ऑर्डर देखते हैं तो अगर b को a से मल्टीप्लाई करें तो b का ऑर्डर क्या था b का ऑर्डर था b का ऑर्डर है थ्री क्रॉस टू और a का ऑर्डर है टू क्रॉस थ्री अब देखिए क्या ये दोनों मैट्रिक आपस में कंपैटिबल हैं तो हाँ भाई कंपैटिबल हैं नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा तो जो बी का प्रोडक्ट आएगा उसका जो ऑर्डर है वो किसके बराबर आएगा वो बराबर आएगा थ्री क्रॉस थ्री के बराबर अब देखिए यहां पे ए बी जब निकाल रहे हैं तो टू बाई टू की मैट्रिक्स आ रही है वेयर वेराइस जब बी ए निकालेंगे तो ये तो थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स हो गई भाई ये इक्वल हो सकता है कभी भी इक्वल नहीं हो सकता क्यों क्योंकि ये जुड़वा होंगे ही नहीं इसमें नौ एलिमेंट आएंगे बी ए में और ए बी में चार एलिमेंट्स आए हैं तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते दैट इज वॉट आई एम सेइंग इज कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ कॉम्यूटेटिविटी प्लीज नोट दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपसे पूछा जा सकता है होता है। अब यहां पे देखिए एसोसिएटिव होता है ए इंटू बी करो फिर सी से मल्टीप्लाई करो या बी इंटू सी करो फिर ए से मल्टीप्लाई करो ये पॉसिबल है एसोसिएटिव होता है लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं होता डिस्ट्रीब्यूशन सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन ये भी लगता है ए इंटू बी प्लस सी करो या ए प्लस बी इंटू सी करो जो आंसर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा वो हमेशा सेम आएगा. आएगा तो ए टाइम बी प्लस सी किसके बराबर होता है ए बी प्लस ए सी ए प्लस बी इंटू सी तो ये किसके बराबर होगा ए सी प्लस बी सी ठीक तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है यहां पे lhs rhs के बराबर होगा ठीक आइडेंटिटी क्या होता है भाई आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन मतलब एक मैट्रिक्स ए को किस से मल्टीप्लाई करें या किसको ए से मल्टीप्लाई करें सच दैट आपको ए वापस मिल जाए तो अभी मैंने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बताया था तो यही जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये क्या है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जीरो नल लेकिन मल्टीप्लीकेशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ठीक है सो so, ये मल्टीप्लीकेशन आपको हो गया क्लियर अब निकाल लेते हैं कुछ और क्वेश्चन अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है सबसे पहले हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं भाई तो यहाँ से दिया है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन Minus y is equals to zero. Z की की के के बराबर, बराबर W क्या किया हमने कर दिया सामने सामने आमने वाले को. ठीक. अब से हमको दो इक्वेशंस मिली दो अननोन है हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड लगा के हमको आंसर मिल जाएगा तो हमने क्या किया जो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन था इसको सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम द सेकेंड सब करने का मतलब है ऊपर के साइन चेंज कर दिए तो ये माइनस हो गया ये माइनस माइनस प्लस हो गया ये माइनस माइनस प्लस हो गया अब ऐड कर दीजिए इन दोनों को तो वन प्लस जीरो वन आ गया प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया टू एक्स माइनस एक्स एक्स के बराबर आ गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन अब अगर एक्स की वैल्यू वन है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर वन रखिए तो ये वन इधर चला जाएगा तो वाई की वैल्यू हो गई टू के बराबर किसके बराबर हो गई टू के बराबर तो वाई की वैल्यू आ गई टू के बराबर क्या कह रहा है फाइंड सो विल विल बी बी इक्वल इक्वल टू 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 दैट इज इक्वल्स तो ये आ गया आपका पहले क्वेश्चन का साधारण सा नन्ना मुन्ना सा आंसर अब एक क्वेश्चन मैंने शुरुआत में छोड़ा था मैंने कहा था मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बता दूं फिर वो क्वेश्चन कराता हूं उस क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं क्या कह रहा था भाई वाला क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन कह रहा था वो वाला क्वेश्चन कह, कह रहा था ये कह रहा है अगर ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप थ्री क्रॉस फाइव ए एक मैट्रिक्स है जिसमें थ्री रोज हैं एंड फाइव कॉलम टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सो ये जो मैट्रिक्स है ये थ्री क्रॉस फाइव का ऑर्डर है तीन रो हैं पांच कॉलम ठीक एंड आर इज अ रो ऑफ ए इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स से अगर हम एक रो काट ले क्या काट ले रो सो सोलैच से इसको यहाँ से अगर हम कैंची से काट दें इतने पार्ट को और ये जो एक रो है उसको हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दें तो ये रो किस तरीके से हो जाएगी ये रो इस तरीके से हो जाएगी ठीक तो कह रहा है देन व्हाट इज द टाइप ऑफ आर एज अ मैट्रिक्स तो ये जो आर है ये किस तरीके की मैट्रिक्स है भाई अब ये जो आर है अगर इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर क्या है इसका ऑर्डर है वन क्रॉस फाइव क्योंकि इसमें एक रो है और पांच कॉलम है तो आर किस तरीके की मैट्रिक्स हो गई आर हो गई एक रो मैट्रिक्स आर किस तरीके की मैट्रिक्स हो गई आर हो गई एक रो मैट्रिक्स तो बस यही पूछा था ऑर्डर पूछता तो वन क्रॉस फाइव अगर क्वेश्चन में गया था कॉलम से काट के निकाले तो कॉलम से अगर काट के निकालते तो सी किस तरीके की मैट्रिक्स होती एक कॉलम मैट्रिक्स होती उसका ऑर्डर क्या होता सो उसका ऑर्डर होता कॉलम मैट्रिक्स का थ्री क्रॉस वन तीन रो एक कॉलम क्लियर है बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे आते हैं तो मल्टीप्लीकेशन के बारे में हमने बात कर ली अच्छा जी अब आया ये बेहतरीन क्वेश्चन नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर बुक इन योर सिलेबस क्या कह रहा है ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन कह रहा है अगर एफ एक्स इसके बराबर है देन शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन है क्या करना है इस क्वेश्चन में देखिए तो सिर्फ आपको एफ एक्स दिया है कह रहा है एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालो अब एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालने के लिए आपको सिर्फ एफ एक्स दिया है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले आपको एफ वाई भी निकालना पड़ेगा अब एफ वाई कैसे निकालें सर तो एफ एक्स दिया है आपको फंक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ एक्स यू कैन फाइंड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई कैसे एक्स को रिप्लेस कर दें वाई से तो अगर एक्स को रिप्लेस कर दें वाई से तो जहां जहां एक्स आ रहा था वहां वहां वाई सब्सिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो 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 और यहाँ पे आ रहा है जीरो यहाँ पे आ रहा है साइन वाई और यहाँ पे आ रहा है कॉस वाई ठीक तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा था मैट्रिक्स में वहाँ वहाँ वाई लिख के हमने क्या निकाल लिया एफ ऑफ वाई ट यू हैव टू फाइंडक्स प्लस वाई तो सबसे पहले एल एच एस निकाल लेते हैं एल एच एस निकालने का मतलब है into Fy. इसको Fy से मल्टीप्लाई करें तो अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है भाई यहाँ से हम लेके आए जेवलिन थ्रो वाला ठीक इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट एर ओ जा रहा है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में टॉप टू डाउन एर ओ जा रहा है अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एफ एक्स इंटू एफ वाई किसके बराबर हो जाएगा सो ये बराबर हो जाएगा पहला रो मल्टीप्लाइड बाय पहला कॉलम सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई ठीक ये आ गया पहला एलिमेंट तो पहली रो मल्टीप्लाइड बाय पहला कॉलम फिर पहली रो मल्टीप्लाइड बाय दूसरा कॉलम पहली रो मल्टीप्लाइड बाय दूसरा कॉलम क्या आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा यही आएगा फिर सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम क्या हो गया ये हो गया साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई नेक्स्ट क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाय प्लस कॉस एक्स कॉस वाई तो हमने सिंपली कुछ नहीं किया सबसे पहले एफ एक्स दिया था एफ वाई निकाला बाय सब्सिट्यूटिंग एक्स बाय सब्सटीट्यूटिंग वाई इन प्लेस ऑफ एक्स फिर एफ एक्स को एफ वाई से मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई करने पे हमको इस तरीके की मैट्रिक्स मिली अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं तो सर सिम्प्लीफाई करने के लिए आपको फॉर्मुले आने चाहिए कौन से फॉर्मुले आने चाहिए तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है पहला फॉर्मूला कौन सा लग रहा है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइनवाई किसका फॉर्मूला होता? होता है ये फार्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का सो दिस बिकम्स कॉस एक्स प्लस वाई ठीक नेक्स्ट देखिए माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई अब यहां से अगर अपन माइनस साइन कॉमन ले लें ऊपर वाली मैट्रिक्स में अगर अपन माइनस साइन बाहर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा ये बचेगा कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई तो ये किसका फॉर्मूला बन गया ये फॉर्मूला बन गया माइनस साइन एक्स प्लस वाई का ठीक ये एलिमेंट आ गया जीरो एलिमेंट जीरोमेंट ये एलिमेंट जीरो, 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 जीरो राइट अब ये वाला फॉर्मूला देखिए साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई ये किसका फॉर्मूला हो गया ये फार्मूला हो गया साइन एक्स प्लस वाई का सिमिलरली यहां पे देखिए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई क्या बोला कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स वाई किसका फॉर्मूला हो गया ये फार्मूला हो गया कॉस एक्स प्लस वाई का तो बस आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए अगर फार्मूले आपको आते हैं तो सब कुछ आप अच्छे से कर सकते हो अब अगर फॉर्मूले नहीं आते क्लास इलेवेंथ के तो क्या करें सर कुछ नहीं करना है माहेश्वरी क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है फ्री स्टडी मटेरियल पे जाइए वहाँ पे आपको पूरा फॉर्मूला शीट मिल जाएगा ग्यारहवीं से लेके बारहवीं तक के सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन प्रॉबेबिलिटी मैट्रिसिक डिटर्मिनेट सब वो फॉर्मूलाशीट डाउनलोड कर लीजिए अपने पास प्रिंट करके रखना चाहे प्रिंट करके रख लीजिए सेफ करके रखना चाहे सेफ करके लिख लीजिए बहुत बेहतरीन फॉर्मूले दिए उसमें उसको साल के शुरुआत से याद करना शुरू कर दीजिए साल के अंत तक सब याद हो जाएंगे सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे बेहतरीन मजेदार तैयारी हो जाएगी आपकी ठीक है क्लियर है तो ये हो गया अच्छा अब एल तो आ गया सर आर कैसे निकालने तो आर निकालने का बहुत ही आसान तरीका है क्या तरीका है हमको निकालना है एफ़ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ़ ऑफ़ एक्स प्लस वाई मीन्स जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ एक्स प्लस वाई रख दो तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है अगर वहाँ पे एक्स प्लस वाई रखेंगे तो क्या आ जाएगा तो आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई ज़ीरो साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई ज़ीरो 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 आ गया अब ये क्या है यही तो हमारा आर एच एस एल एच एस के बराबर आ गया हाँ या ना देख लीजिए भाई आया, आया, दोनों दोनों के दोनों same to same हो गए दिक्कत, तो ये हो गए दोनों के दोनों कैसे सेम टू सेम हो गए भाई एग्जैक्टली सेम सो वी कैन सेल एच एस इक्वल किसके बराबर आ गया आर एच एस के बराबर आ गया बस खत्म बात बेहतरीन क्वेश्चन है प्लीज पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क so यहां तक अगर आपको आपने ये लेक्चर अटेंड कर लिया है तो आपका आधा मैट्रिसेस खत्म हो गया चैप्टर अब शीट वन कंप्लीट कर लीजिए अब ये शीट वन आपको कहां मिलेगी तो ये जो फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स चल रहा है हमारा इसकी शीट अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आपको डाउनलोड कहाँ से करनी है माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन से माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा एंड ईओ एस स्टोर में भी मिल जाएगा अगर आप आईओ एस करते हैं तो आपको सर्च करना है क्लास प्लस की की एक ब्लू कलर एप्लीकेशन होगी उसको डाउनलोड करना है उसमें आपसे पूछेगा कोड कोड बताइए मतलब ऑर्गेनाइजेशन कोड तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो क्या है पी ए एल एस दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन कोड बस ये ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है हमारा अपना नंबर डालना है फोन नंबर ओ टी पी आएगा लॉग इन हो जाएगा उस लॉग इन में जाइए फ्री स्टडी मटीरियल पे जाइए फ्री स्टडी मटेरियल पे जाके आपको सारी शीट सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल पे जाइए ये वाली शीट्स ले लीजिए ये सारी शीट्स कर लीजिए सारे क्वेश्चन कर लीजिए बस अगर आपने मेरी ये शीट्स कर ली ये क्वेश्चन कर लिए तो आपके बोर्ड में सौ परसेंट नंबर आई सी क्लास ट्वेल्व के हिसाब से पक्के प्री बोर्ड में सौ नंबर पक्के फर्स्ट कंपेरेटिस् में फर्स्ट एग्जामिनेशन में यूनिट टेस्ट में सब में सौ नंबर पक्के बस यही करना है फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर लीजिए फ्री स्टडी मटेरियल पे जाइए जो शीट है ये कर लीजिए पूरा का पूरा चैप्टर बेहतरीन तैयार और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दिए लिमिटेड क्वेश्चन दिए मैक्सिमम शायद पैंतालीस से पचास या साठ क्वेश्चन होंगे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अगर आपने कर लिया तो पूरा बोर्ड के हिसाब से तैयारी है बोर्ड के हिसाब से बेहतरीन तैयारी ठीक है थीके? चलिए आगे बढ़ते हैं सो so, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं तो चेक कर लेते हैं हाँ भाई हो सकती हैं इन दोनों का पहले का नंबर ऑफ़ रो दूसरे के सॉरी पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर हैं और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा थ्री बाई का ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर इसका प्रोडक्ट निकालना है तो इसके ऊपर हमने उड़ता हुआ तीर लगाया इसके ऊपर गिरता हुआ तीर लगाया प्रोडक्ट निकाल लेते हैं सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम सो वन इंटू वन वन थ्री थ्री प्लस वन फोर फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम टू ठीक है थ्री बाय टू थ्री बाय टू आएगा इसका ऑर्डर थ्री बाय टू मतलब तीन रोज और दो कॉलम तो ये दो कॉलम आ गए तीसरी रो निकालते हैं अब सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम सो माइनस वन प्लस सिक्स ये हो गया फाइव देन माइनस टू देन थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम सो नाइन जीरो सो ये आ गई हमारी फाइनल प्रोडक्ट दैट सेट कुछ नहीं किया पहली रो को पहले कॉलम से, से दूसरी पहली रो को दूसरे कॉलम से दूसरी रो को पहले कॉलम से दूसरी रो को पहले दूसरे कॉलम से तीसरी रो को पहले कॉलम से तीसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लिया दैट्स इट खत्म कह रहा है वी नो दैट फॉर रियल नंबर ए बी इफ ए बी इज इक्वल टू जीरोक्वल्स टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो इज दिस ट्रू फॉर मैट्रिस क्या कह रहा है कह रहा है कि अगर हमको पता है कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं एल्जरा में जिनका प्रोडक्ट अगर जीरो के बराबर है तो यहां से हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि या तो ए जीरो के बराबर है या तो बी जीरो के बराबर है भाई दो चीजों का प्रोडक्ट अगर जीरो के बराबर है इसका मतलब क्या है या तो पहला जीरो है दूसरा नॉन जीरो है या दूसरा जीरो है पहला नॉन जीरो है या दोनों के दोनों नॉन जीरो दोनों के दोनों जीरो है राइट यही तो कहते हैं हम लोग के केस में। बट वेन वी टॉक अबाउट मैट्रिसेस पर जब हम मैट्रिसेस के बारे में बात करते हैं अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है तो इट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू ऑलवेज ट्रू दैट आइदर एज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो ऐसा मैट्रिक्स के केस में पॉसिबल नहीं है बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक मैट्रिक्स जिसका जो नल नहीं है जिसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है दूसरी मैट्रिक्स जो अगेन जीरो नहीं है उनका भी प्रोडक्ट कभी कभी जीरो के बराबर आ जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस मैट्रिक्स को देखिए इस मैट्रिक्स को अगर आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे अब ये दोनों जीरो के बराबर नहीं है लेकिन अगर आप इनका प्रोडक्ट निकालेंगे ए बी निकालेंगे से तो ए बी किसके बराबर आ जाएगा ए बी जीरो के बराबर आ जाएगा नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है तो जरूरी नहीं है कि या तो पहली जीरो होगी या दूसरी जीरो होगी या दोनों जीरो होंगी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नॉन जीरो हों पर तब भी उनका जो प्रोडक्ट आ गया वो कैसा आ गया जीरो के बराबर आ गया तो ये मैट्रिक्स में पॉसिबल है दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैट्रिक्स में लग सकती है इसलिए इस प्रॉपर्टी को अच्छे से देख लीजिए समझ लीजिए और लिख जरूर लीजिएगा ठीक है तो यही यहां पे बताया हुआ है इसके बाद फाइंड मैट्रिक्स ए सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस अब इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स निकालिए अब देखिए ए मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं तो ए मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है इसमें कितने रोज हैं थ्री रोज हैं एंड टू कॉलम्स हैं थ्री बाई टू जो फाइनल मैट्रिक्स आ रही है इसका ऑर्डर क्या है इसका भी ऑर्डर है थ्री बाई टू अब ये वाली जो मैट्रिक्स है

<coughs> तो ए के नंबर ऑफ रोज कितने आ गई टू ए की नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई टू अच्छा जी अगर ए की नंबर ऑफ रोज टू के बराबर आ गया वो हमने कैसे पता किया क्योंकि इसके जितने नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज होंगे तभी तो मल्टीप्लाई होगा राइट right? अच्छा अब ए का ऑर्डर ये वाला एलिमेंट निकालना है मतलब ए की नंबर ऑफ रोज तो हमको पता चल गई दो के बराबर है नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर है तो नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर होंगे भाई तो जो नई मैट्रिक्स आती है जो ये नई मैट्रिक्स आई इज दिस प्रोडक्ट तो इसका जो ऑर्डर आ रहा है वो थ्री क्रॉस टू आ रहा है थ्री तो, तो है यहाँ पे क्या बचा फिर यहाँ पे क्या ना चाहिए यहां चाहिए टू सो so इससे हमको ये पता चल गया कि जो मैट्रिक्स ए है हमारी वो टू बाई टू की मैट्रिक्स है ठीक तो हमने क्या किया सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने ए का ऑर्डर निकाल लिया एक ऑर्डर क्या आ गया टू बाई टू अगर ए एक की मैट्रिक्स है तो हमने सपोज कर लिया कि लेट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए बी सी डी विच इज अ टू बाई टू मैट्रिक्स पे ए बी सी डी क्या है अननोन से जो हमको निकालने हैं अब ये क्वेश्चन हो गया दो कौड़ी का अब आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं भाई हमको पता है टू माइनस वन वन जीरो थ्री फोर मल्टीप्लाइड बाय ए बी सी डी इज गिविंग अस माइनस वन वन नाइन माइनस एट माइनस टू एंड ट्वेंटी टू तो अब हम क्या कर सकते हैं ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के हम इस मैट्रिक्स ए को फाइंड कर सकते हैं कैसे ए बी सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं तो हमको पता है कि इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये आएगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम टू ए माइनस सी फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम टू बी माइनस डी देन सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम तो किसके बराबर आ गया ये आ गया ए प्लस जीरो तो जीरो ही हो गया ठीक दूसरा क्या आ गया बी प्लस जीरो अगेन बी आ गया तीसरा क्या आ गया थ्री ए प्लस फोर सी एंड थ्री बी प्लस टू वॉट दिस इज इक्वल टू माइनस वन वन नाइन देन माइनस एट माइनस टू एंड ट्वेंटी टू अब इन दोनों को यहाँ से इक्वेट करके हमको क्या मिल जाएगा ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी जैसे ए की वैल्यू क्या यहाँ से भाई ए की वैल्यू डायरेक्ट दिखाई दे गई के बराबर बी की वैल्यू क्या आ गई बी की वैल्यू डायरेक्ट दिखाई दे गई माइनस टू के बराबर सी की वैल्यू क्या आ गई तो सी और डी की वैल्यू निकालिए और निकाल के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि सी और डी की वैल्यू क्या आई ठीक है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा द वैल्यू ऑफ सी इज दिस एंड द वैल्यू ऑफ डी इज दिस इसको सॉल्व कर लीजिए सॉल्व करके बताइए सी और डी की वैल्यू क्या आ रही है होमवर्क है खुद तो कुछ भी करोगे खुद मतलब कुछ तो करोगे राइट अब ये क्वेश्चन देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है क्या कह रहा है कह रहा है 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 अगर अगर एक स्क्वायर 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 मैट्रिक्स सच दैट इज टू के बराबर देन राइट द वैल्यू ऑफ सेवन ए माइनस आई प्लस ए का होल क्यूब वेयर वेर इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तो हमको निकालना है सेवन ए माइनस आई प्लस ए का होल क्यूब तो इसको सॉल्व करते हैं ये हो गया 7A का का अब यहाँ पे I plus A whole cube अगर निकालना है तो यहाँ से आप फॉर्मूला होता है ये ये होता है अब formula याद होने चाहिए भाई अगेन फॉर्मुला नहीं याद है शीट डाउनलोड कर लो महेश्वरी क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करो फ्री स्टडी मटेरियल से शीट एड डाउनलोड कर लो राइट right? तो सेवन ए माइनस आई प्लस ए का क्यूब ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर आई प्लस थ्री ए आई स्क्वायर तो हमने यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया अच्छा जी अब यहां पे वैल्यू रखना शुरू करते हैं अब हमको पता है आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो जैसे मैथ्स में नंबर वन होता है वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है तो वन की पावर आप कुछ भी कर दीजिए वन हमेशा क्या रहता है वन सिमिलरली आई की पावर आप कुछ भी कर लीजिए आई हमेशा क्या रहता है आई के बराबर ही रहता है राइट right? तो अगर यहां से आई क्यूब करेंगे तो आई क्यूब क्या हो जाएगा आई के बराबर ए क्यूब देखिए अब ए क्यूब सो so, को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इन टू ए लिख सकते हैं भाई ए स्क्वायर किसके बराबर दिया है क्वेश्चन में ए के बराबर तो अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो ये ए के बराबर हो गया ए इंटू ए ए इंटू ए किसके बराबर हो गया ये ए स्क्वायर के बराबर हो गया और ए स्क्वायर किसके बराबर दिया है ए स्क्वायर बराबर दिया है ए के बराबर बहुत बढ़िया तो यानी ए क्यूब भी किसके बराबर है ए के बराबर ही आ गया तो ए क्यूब को ए के बराबर लिख दिया थ्री ए स्क्वायर ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया ए के बराबर हो गया आई प्लस थ्री ए आई स्क्वायर किसके बराबर हो गया आई स्क्वायर आई के बराबर हो गया क्योंकि आई की पावर कुछ भी करो वाई होता है सेवन ए माइनस आई प्लस ए प्लस ए इंटू आई क्या होगा ए ही होगा मैंने बताया था आई को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए यू विल गेट बैक द सेम मैट्रिक्स तो ये थ्री ए आ गया यहाँ से प्लस यहाँ से भी थ्री ए आ गया अब इनको ऐड कर लो तो ये हो गया सेवन ए माइनस आई प्लस तीन तीन छ और एक साथ सेवन ए सो इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो गया सेवन ए माइनस आई माइनस सेवन ए सो सेवन ए माइनस सेवन ए कैंसिल हो गया क्या बचा द आंसर इज माइनस का आई सो द फाइनल आंसर ओवर हियर इज माइनस आई ये आ गया आगे आपका फाइनल आंसर आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू प्लीज नोट दिस डाउन पॉज द वीडियो नोट दिस डाउन एंड देन विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ इज दिस देन प्रूव दैट अ रूट ऑफ़ द दिस अब इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत ज्यादा नहीं आया हुआ है क्वेश्चन ये कभी भी लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्यों क्योंकि आईएससी का पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है धीरे धीरे पूरा का पूरा पेपर क्रिटिकल थिंकिंग पे आ रहा है तो इस बार का जो पेपर है ना ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव का बेहतरीन मुश्किल होने वाला है तगड़ा पेपर आने वाला है, तो इसलिए आपको सब तैयारी करके रखनी पड़ेगी कह रहा, है क्या? कह रहा है कि अगर इसके ठीक अब इसका रूट कैसे निकालेंगे इसका रूट है का मतलब ये है, जहां जहां पे आ रहा है, अगर वहां वहां एफ ऑफ ए रखें तो आ जाएगा ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्कवायर प्लस सेवन ए प्लस टू अब क्योंकि मैट्रिक्स में कभी भी हम नंबर को डायरेक्टली मैट्रिक्स में ऐड नहीं करते हैं हम दो मैट्रिसेस को ही आपस में ऐड करते हैं तो ये जो सिर्फ टू नंबर लिखा है हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करा लिया आई से मल्टीप्लाई करा लिया अब आई की वैल्यू वन के बराबर ही होती है तो टू इंटू आई करोगे तो क्या आएगा टू ही तो आएगा ठीक तो यहां पे आप एफ ऑफ ए में ए जो मैट्रिक्स है उसका क्यूब फिर ए का स्क्वायर निकाल के उसको माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए सेवन को ए से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस टू आई करिए अगर ये सारी की सारी वैल्यू जीरो के बराबर आ जाती है अगर इसको सॉल्व करने पे ये जीरो के बराबर आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं इज द रूट ऑफ द पोलिनोम तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है कुछ भी नहीं करना है जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां ए रख दीजिए फिर इस मैट्रिक्स का ए क्यूब निकालिए स्क्वायर निकालिए सेवन ए निकालिए टू आई निकालिए इन सबको ऐड कर लीजिए ऐड करके देखिएगा आखिरी में आंसर क्या जाएगा जीरो के बराबर सो so अगर जीरो आ रहा है तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ए जो है वो इज अ रूट ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल ए इसका क्या है रूट है क्लियर है आई होप दिस इज क्लियर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ट्रांसपोज क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का सो so, ट्रांसपोज का मतलब होता है अगर आप रो को चेंज कर दीजिए कॉलम से और कॉलम को चेंज कर दीजिए रो से उसको कहते हैं ट्रांसपोज आपके हाथ काट के पैर की जगह लगा दें पैर काट के हाथ की जगह लगा दें तो वो जो आपका जो शरीर बनेगा वो क्या बनेगा ट्रांसपोज ठीक है सो so, ट्रांसपोज में क्या करते हैं रो को कॉलम से चेंज करते हैं जैसे ये एक मैट्रिक्स है ये है रो वन ये है रो टू एंड ये है रोट थ्री ठीक है ये है कॉलम वन ये है कॉलम टू सो हम पहली रो को बना दे पहला कॉलम पहली रो को बना दिया पहला कॉलम दूसरी रो को बना दे दूसरा कॉलम और तीसरी रो को बना दे तीसरा कॉलम इसी को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ट्रांसपोज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स के ऊपर टी लिख के या मैट्रिक्स के ऊपर डैश लिख के दोनों ही एक बात है चाहे मैट्रिक्स के ऊपर टी लिखिए चाहे मैट्रिक्स के ऊपर डैश लिखिए मतलब दोनों का सेम ही है क्या मतलब है ट्रांसपोज सो बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंट्स ट्रांसपोज अब जब हम ट्रांसपोज की बात करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं ट्रांसपोज में ये प्रॉपर्टीज बहुत आसान है आप तुरंत समझ में आ जाएगी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वो वापस ए के बराबर आ जाएगा अब ट्रांसपोज ऐसे समझिए अगर आपको 180 डिग्री घुमा दिया जाए मतलब जहां पे आपका मुंह है वहां पे सर लगा दिया जाए वहां पैर लगा दिया जाए और जहां पैर है वहां मुंह लगा दिया जाए आपको 180 डिग्री घुमा दिया जाए और फिर से आपको 180 डिग्री घुमा दिया जाए तो आप वापस इसी पोजीशन में आ जाएंगे जैसे आप ये हैं इस तरीके से ठीक आपको अगर ट्रांसपोज़ किया तो ट्रांसपोज करने के बाद आपके पैर ऊपर सर यहाँ पे दोबारा रोटेट कर दिया तो दोबारा रोटेट करने के बाद आप फिर से सर ऊपर पैर नीचे आ जाएगा तो ये एक बार ट्रांसपोज किया ये दोबारा ट्रांसपोज किया तो ये आ गया ठीक तो वही सेम चीज़ है ट्रांसपोज करके फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगी ठीक समझाने का तरीका ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब अगर आप दो ऐड करें फिर ट्रांसपोज निकालें या पहले का ट्रांसपोज निकालें दूसरे का ट्रांसपोज निकालें दोनों को एड कर दें आंसर सेम आएगा आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा नेक्स्ट आप किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करें स्केलर से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें फिर ट्रांसपोज निकालें या पहले ट्रांसपोज निकाल लें फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आएगा आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा द द आंसर विल बी सेम ठीक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये आपको याद होनी चाहिए इसको हम लोग रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं अगर ए बी का ट्रांसपोज किया जाए ए इंटू बी का ट्रांसपोज किया जाए तो ये बराबर आता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज मतलब जो पहले आ रहा था वो पीछे चला जाएगा जो पीछे आ रहा था वो आगे चला जाएगा जो अगाड़ी है वो पिछाड़ी बन जाएगा जो पिछाड़ी है वो अगाड़ी बन जाएगा मतलब जो आगे था वो पीछे चला गया जो पीछे था वो आगे चला गया सो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं होगा ये होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सल लॉ रिवर्स हो जाता है जो पहले एलिमेंट आ रहा था जो पहले मैट्रिक्स आ रही थी वो पीछे चली गई और जो पीछे आ रही थी वो आगे आ गई दैट्स इट इसी को कहते हैं रिवर्सल लॉ ठीक है तो अगर जनरलाइज तरीके से लिखा जाए A1, A2, A1 तक का तो सबसे पीछे पहले पे था, वो सब में चला जाएगा। यही हमने जनरलाइज फॉर्म में लिखा है ट्रांसवर्स मतलब रिवर्सल लॉ के फॉर्म में लिखा है तो ये प्रॉपर्टी यहां बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है बस दैट्स इट बाकी प्रॉपर्टीज लिख लीजिए पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है अगर ए इसके बराबर है देन हैल्फा एल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है जब एल्फा लाई कर रहा है जीरो से पाए बाई टू के बीच में जीरो से पाई बाई टू के बीच में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है अब ये क्वाड्रेंट आपने ट्रीनोमेट्री में बचपन में पढ़े हैं क्लास इलेवेंथ में राइट right? सी so हो गया जीरो पाए बाई टू पाए थ्री पाए बाई टू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक लाई करता है जीरो से पाए बाय टू तो अल्फा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वेन ए plus ए ट्रांसपोज इज equals टू रूट टू टाइम्स आई टू ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है रूट टू टाइम्स आई टू अब ये रूट टू इतना लंबा नहीं होगा ये रूट टू यहीं तक है फिर आई टू है मतलब रूट टू आई टू अब एल एच एस निकालते हैं इसका ठीक तो एल एच एस क्या है एल एच एस है ए प्लस ए ट्रांसपोज तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा ये आ जाएगा कॉस एल्फा जो पहला रो है वो बन जाएगा पहला कॉलम जो दूसरा रो है वो बन जाएगा दूसरा कॉलम बहुत बढ़िया अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज सो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो गया कॉस अल्फा कॉस अल्फा ये हो गया टू कॉस अल्फा जीरो ज़ीरो टू कॉस अल्फा तो ये आ गया हमारा सबसे पहले क्या एल एच एल लेफ्ट हैंड साइड एल एच एल नहीं एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड ठीक अब निकाल लेते हैं आर एच एस तो आर एच एस में क्या दिया रूट टू टाइम्स आई टू सो रूट टू टाइम्स आई टू का मतलब क्या हो गया I2 का मतलब हो गया ठीक? अब इस root two को अंदर multiply कर लीजिए तो क्या हो गया? हो गया गया ठीक? अब अब के बराबर है as given in the question. अब इसको इसको कर लीजिए तो तो अगर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट विल इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट सो दैट मीन टू कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू रूट टू सो कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू रूट टू बाई टू अगर इसको हम कैंसिल आउट करें यहां से ये हो जाएगा अगर के बराबर है, तो की वैल्यू so, कितनी आ गई अल्फा की वैल्यू आ गई फोर्टी फाइव डिग्री या फिर इसको रेडियन में अगर बोले तो इसको बोल सकते हैं पाए बाय फोर के बराबर ठीक तो ये आ गया हमारा क्या ये आ गया एल्फा की वैल्यू एल्फा की वैल्यू निकालनी थी अब क्योंकि फर्स्ट तो क्वाड्रेंट आती।, पे, पे आती और माइनस पाए बाय फोर पे भी, भी उतनी ही वैल्यू आती अब क्योंकि हमको यहाँ पे फिक्स कर दिया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा इसलिए हमारा आंसर आ रहा है पैंतालीस डिग्री या पाए बाई फोर इट ठीक सो प्लीज नोट दिस डाउन एंड विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब ट्रांसपोज के बाद जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू का। तो दो तरीके की मैट्रिसेस होती हैं देखिए भाई दो तरीके की मैट्रिसेस होती हैं, एक होती है सिमेट्रिक और दूसरी होती है स्क्यू सिमेट्रिक अब ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं ये समझने की कोशिश करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स मिल जाए ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हो गया जैसे ए बी बी ए ये जो मैट्रिक्स है इसको अगर अपन ट्रांसपोज करें इसका ट्रांसपोज निकालें तो ट्रांसपोज करने पे जो फर्स्ट रो है वो बन गया फर्स्ट कॉलम सेकंड रो बन गया सेकंड, बन गया, सेकंड गया, कॉलम अब आप इन दोनों को देखिए क्या ये दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल हैं हाँ भाई ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं ए इज इक्वल टू ए डैश तो ये कैसी हो गई ये हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल लेते हैं सो so अगर एक मैट्रिक्स है ए ठीक अब इसका अगर अपन ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज करने पे क्या जाएगा? करने आ जाएगा इसका ट्रांसपोज करने पे आ जाएगा अच्छा जी अब यहां से अगर अपन इस पूरी मैट्रिक्स को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ नेगेटिव माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें माइनस वन से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें माइनस वन से इधर भी मल्टीप्लाई कर दे माइनस ऑफ ए डैश किसके बराबर आ जाएगा ये आ जाएगा जीरो माइनस ए ए जीरो अब ये देखिए -a' और a क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं भाई तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि a' इज इक्वल्स टू -a इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड इन केस ऑफ सिमेट्रिक a' इज इक्वल्स टू a अब ये सर समझें कैसे इसको याद कैसे करें तो देखो अगर इसको याद कर लिया तो ये बहुत इजी हो जाएगा कैसे याद होगा सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होगा कि जो आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होगा कि जब आप ट्रांसपोज करोगे रो को कॉलम कॉलम को रो बनाओगे तो जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेम टू सेम आएंगे स्क्यू सिमेट्रिक को कैसे याद करें स्क्यू सिमेट्रिक की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है क्या कि इसके जो डायगनल एलिमेंट्स होते, है, होते हैं डायगनल एलिमेंट्स वो सब जीरो होते हैं चाहे टू बाई टू की बना लो चाहे थ्री बाई थ्री की बना लो अगर थ्री बाई थ्री की भी हमको स्क्यू सिमेट्रिक बनानी है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगी थ्री बाई थ्री की वो कुछ इस तरीके से आएगी ये भी है कैसे बनाया सर आपने देखिए तो जो इसके डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो मतलब अगर ये डायगनल है इसको आप शीशे की तरह माने तो शीशे के ये दोनों अपोजिट हैं अपोजिट अलोंग दिनल तो ये डायगेल के अलोंग अपोजिट हैं राइट अगर ये डायगनल के अलोंग अपोजिट है तो अगर ये ए है तो ये किसके बराबर है माइनस ए के बराबर है तो देखो सेम एलिमेंट है बस मैग्नीट्यूड सेम है साइन डिफरेंट है साइन अपोजिट है तो अगर ये ए है ये माइनस ए है जैसे यहां पे देखिए अगर ये ये दोनों आपस में अपोजिट हैं ये दोनों आपस में अपोजिट हैं ये दोनों आपस में अपोजिट हैं ठीक तो देखिए यहाँ माइनस ए है तो यहाँ ए है यहाँ बी है तो यहाँ माइनस बी है यहाँ माइनस सी है तो यहाँ सी है मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगनल एलिमेंट्स होंगे ऑल दीज डायगनल एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू जीरो और जो नॉन डायगनल अपोजिट एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे मैग्नीट्यूड के साथ लेकिन जो उनका साइन होगा वो अपोजिट होगा अपोजिट साइन के साथ अपोजिट साइन के साथ क्लियर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब इसके बेसिस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस अगर हमको समझ में आते हैं तो ठीक कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं हाँ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए

तो ये जो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश है ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स आएगी ये हमेशा सिमेट्रिक होगी और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश ये जो मैट्रिक्स आएगी ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगी मतलब अगर हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश को अगर हम पी से रिप्रेजेंट करें एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश को हम क्यू से रिप्रेजेंट करें तो पी डैश विल बी इक्वल टू पी बट क्यू डैश विल बी इक्वल टू माइनस क्यू तो ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी है ये सिमेट्रिक है और ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी है ये स्क्यू सिमेट्रिक है ये कैसी है ये स्क्यू सिमेट्रिक है क्लियर है ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक अब इन दोनों को अगर वापस ऐड करो आप तो ऐड करने पे क्या आएगा देखिए ऐड करने पे आएगा ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए डैश सो माइनस हाफ ऑफ ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए डैश कैंसिल हो गया हाफ ऑफ ए हाफ ऑफ ए कितना आ जाएगा ये आ जाएगा फिर से ए के बराबर तो यही मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मैट्रिक्स है, इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं तो है, है, और जब डिफरेंस दिया है तो ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा आप कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए और उसमें ये लगा के देखिए ये हंड्रेड परसेंट ट्रू होगा हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए तो ईच एंड एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैट्रिक्स तो जैसे ये है अब इसको कर लीजिएगा अपने आप कैरा एक्सप्रेस दिस एज द सम ऑफ दिसट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स तो सम ऑफ समेट्रिक और स्क्यू के फॉर्म में इसको आप कर लीजिए सॉल्व हो जाएगा क्या करना है कुछ भी नहीं करना है ए दिया है ए डैश निकालिए ए डैश क्या आ जाएगा ये आ जाएगा टू फोर माइनस सिक्स सेवन थ्री फाइव वन माइनस टू एंड फोर ए डैश आ गया तो क्या कीजिए सबसे पहले ए प्लस ए डैश निकालिए उसका हाफ कर लीजिए और उसको क्यू के बराबर ले लीजिए फिर हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश निकाल लीजिए और इसको पी के बराबर ले लीजिए ठीक तो क्या कीजिए इन दोनों को ऐड कीजिए आधा कीजिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए आधा कीजिए इसको अगर क्यू के बराबर ले लिया है इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालेंगे देखेंगे वापस आपको यही मिल जाएगा और इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये किसके बराबर मिल जाएगा माइनस पी के बराबर करके देख लीजिएगा डेफिनेटली यही आएगा ठीक सो ये हो गया हमारा लास्ट टॉपिक अब ये कह रहा है इफ दिस मैट्रिक्स इज अस्क्यू सिमेट्रिक फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी अब इस तरीके के क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे आपके पास अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए और बी की वैल्यू निकालो तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था क्या कि जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो सब जीरो होते हैं नॉन डायगनल अपोजिट एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं बस साइन उल्टा होता है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए आ जाएगा माइनस टू के बराबर बी किसके बराबर आ जाएगा तो बी आ जाएगा थ्री के बराबर सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट साइन ये माइनस वन है ये वन है ये माइनस थ्री है तो ये थ्री होगा ये

हमारा पूरा का पूरा मैट्रिसेस चैप्टर हो गया कंप्लीट बस अब आपको करना क्या है महेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे जाना है और इस पर्टिकुलर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारी शीट के वो सारे क्वेश्चंस आप लगा लीजिए डेफिनेटली आपका मैट्रिसेस बोर्ड लेवल के हिसाब से तैयार हो जाएगा ठीक हमारा 2 महीने का ये जो फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है फास्ट ट्रैक कोर्स जो 2 महीने का चल रहा है इस फास्ट ट्रैक कोर्स को हमने शुरू किया है मई में खत्म करेंगे जुलाई में सो so मई से जुलाई में ये पूरा कोर्स हम खत्म कर लेंगे जिसमें हम दो महीने के अंदर सारा का सारा मैथ्स का सिलेबस क्लास ट्वेल्थ के हिसाब से आईएससी के हिसाब से ख़त्म कर लेंगे ठीक इसकी शीट्स आपको जो लगानी है जो क्वेश्चन आपको लगाने हैं वो हमारे महेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे दिए हुए हैं वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए इन क्वेश्चंस को लगा लीजिए इन क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं दिक्कत आ रही है इनके अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो हमारा एक फास्ट ट्रैक का पेड बैच भी भी चल चल रहा रहा है है सो फास्ट ट्रैक का हमारा एक पेड पेड बैच बैच जिस में ये जितनी भी शीट्स हैं इनके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम साथ साथ सॉल्व कराते जा रहे हैं तो वो सारे क्वेश्चंस आपको सोल्यूशन के फॉर्म में लाइव क्लास के फॉर्म में सॉल्व मिल जाएंगे हमारे फास्ट ट्रैक रि पेड बैच में जो महेश्वरी क्लासेज एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा है तो आप वहां से <coughs> सॉरी आप वहाँ से उसकी भी तैयारी कर लीजिए सारी शीट्स कर लीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं YouTube पे मैं सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ आपको बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन एक एक चीज एक एक कॉन्सेप्ट समझाता जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए आपको शीट्स भी देता जा रहा हूँ जो हमारा ये फास्ट ट्रैक रिवीजन का पेड बैच है इस पर्टिकुलर बैच में आपको ये सारा कॉन्सेप्ट तो कराया ही जाएगा साथ में मैं जो अपनी शीट्स दे रहा हूँ ये भी कराई जाएगी एक बुक जो मैंने खुद बनाई है स्पेशली डिजाइन फॉर आईएससी स्टूडेंट्स ये बुक भी आपको होम डिलीवरी करके आपके घर पर मिल रही होगी सो होम डिलीवरी हम करा रहे हैं आपके घर पे इस पर्टिकुलर बुक का जिस बुक का नाम मैंने दिया है परसेंटेज बूस्टर जिससे आपकी परसेंटेज डेफिनेटली बहुत तगड़े तरीके से बूस्ट होने वाली है यह बुक आपके घर तक आ रही है ये बुक मैंने ही डिजाइन की है इसके जो हैं वो एम एल अग्रवाल आर डी शर्मा वत्सल सिंगेज एनसीआर अलग अलग किताबों से ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं जो ये क्वेश्चन कर लेगा बच्चा उसकी सारी तैयारी हो जाएगी बोर्ड्स के हिसाब से बेहतरीन लल्लन टाप बेस्ट ठीक है तो अगर आपको हमारे पेड बैच को भी ज्वाइन करना है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम यूट्यूब से ही पढ़ लें हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया है बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में कितना लंबा वीडियो हो गया भाई ये वीडियो हो गया डेढ़ घंटे की क्लास हो गई जिसमें मैं सिर्फ डेढ़ घंटे से बोल रहा हूं समझा रहा हूँ तो काफी मेहनत लगती है बस आपसे क्या सपोर्ट चाहिए कि आप प्लीज लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए जब मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स देखता हूं तो देखता हूँ लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सिर्फ फोर्टी परसेंट लोग जो चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर रहे सिक्सटी परसेंट लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं भाई प्लीज सिक्सटी परसेंट लोग जो देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है मैं आपके लिए सारा कॉन्टेंट ला रहा हूं और आई का कॉन्टेंट लाने का सिर्फ मेरे अंदर ही ये बूता है मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं और आपका प्यार मिल जाएगा अगर मुझे तो बस यही मेरे लिए एक प्रोत्साहन हो जाएगा यही मेरे लिए एक पीठ के ऊपर शाबाशी हो जाएगी कि यश सर आप बनाओ हम आपके साथ हैं सो दैट इज वॉट आई वॉन्ट आई वॉन्ट योर एप्रिसिएशन आई वॉन्ट योर कनेक्ट आई वॉन्ट यू टू कनेक्ट विद मी आई वॉन्ट कि आप लोग कम से कम मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरीके के वीडियोज और भी आप तक लेता हूं और जितने भी आईएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको जितनी बेहतरीन तैयारी हो सकती है जितना अच्छे से पढ़ाई करा सकता हूं ये मैं पढ़ाई यहाँ पे कराऊं दैट इज इट टेक केयर गॉड बेस्यूल बाय जय हिंद अपना अपना ख्याल रखिए गॉड यू ऑल बाय